जी कैफ 6 चैप्टर 10 हमने स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर 10 स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, इसके अंदर हमारे पास कुछ 4-5 टॉपिक्स हैं। एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हमने कल कवर कर लिया था, एक रिग्रेशन कोरिलेशन थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में लिया, आज इसको थोड़ा और देखेंगे, और उसके अलावा हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में लिया, और इसके अलावा हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जी टेस्ट, टी टेस्ट, और एक काई स्क्वायर। ठीक हो गया, तो मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी हमने कंप्लीट कर लिया था, मीन मीडियन मॉड कैलकुलेट करना आपको, ठीक हो गया। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हमने कुछ बातें कर ली थी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ बातें कर ली थी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हमने कोई शायद 2 क्वेश्चन कर लिए थे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप लोग आए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हमने कोई 2 क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 आपको दिया था मैंने। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे ज़रा, क्वेश्चन 7, 8 तो हमने कर लिया था ना क्लास में, क्वेश्चन 9 देखिएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। क्वेश्चन 9 ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन आर रिसर्च इट इज फाउंड दैट वर्कर्स ऑन एवरेज स्लीप फॉर 7.2 आवर्स पर नाइट, मीन ऑन एवरेज वर्कर्स जो है वो 7.2 आवर्स पर नाइट जो है वो सोते हैं। ठीक है, मीन मीडियन मॉड कुछ भी है, एवरेज है, ठीक हो गया। विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 40 मिनट्स फर्दर मोर द रिसर्च डिटरमाइंस दैट द अमाउंट ऑफ स्लीप इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस मीन ये जो 7.2 था ये क्या था, म्यू था, मीन था पॉपुलेशन का, और 40 मिनट्स क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक चीज़ आवर में है, एक चीज़ मिनट में है, या तो दोनों को आवर्स में कन्वर्ट कर लो या फिर दोनों को मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। रिक्वायरमेंट देखते हैं, वो हमें बता देगी कि हमें आवर्स में सब कुछ लेके जाना चाहिए, मिनट्स में लेके जाना चाहिए। सो कैलकुलेट द पोर्शन ऑफ वर्कर्स हु स्लीप फॉर मोर देन 8 आवर्स, तो क्या करो, आवर्स में कन्वर्ट कर लो, क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन 7 9 का पार्ट ए हम करने जा रहे हैं, तो उसमें हमें जो है वो उसने बताया जी म्यू कितना है हमारे पास 7.2 आवर्स, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारे पास कितना है 40 मिनट्स, तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.6667 आवर्स। ठीक हो गया। अब उसने क्या कहा जी कि आपने प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है ग्रेटर देन 8 आवर्स की, ग्रेटर देन 8 आवर्स की, क्या कहला है। तो क्या हमने कहा था इसको कि हमने पी इंटू एक्स ग्रेटर देन 8 आवर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है, और हमने कहा जी कि पी जी ग्रेटर देन 8 एक्स माइनस माइनस म्यू हमारा कितना है 7.2 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन हमारा कितना है 0.667। तो देखिएगा क्या आ गया, पी जी ग्रेटर देन 1.194 देखिएगा यही है। जी यहाँ तक बात समझ आती है, अब क्या करना चाहिए हमें, 1.194 ग्रेटर देन है P या R, कौन सा फंक्शन अप्लाई करना चाहिए। R कैलकुलेट करके बताएं ज़रा मुझे कैलकुलेटर से, कैसे कैलकुलेट किया था हमने प्रीवियस क्लास में, मॉड, उसके बाद स्टैट में नंबर 3, उसके बाद AC मीन स्टैट मॉड में आ गया कैलकुलेटर, अब शिफ्ट 1 और 5 क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके बाद देखिएगा R शायद 3 है, क्या कहला है। तो हमने क्या फाइंड करना है अब, R इंटू 1.194, तो क्या आंसर बनता है 0.116
0.116 ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्या ख्याल है? अब नेक्स्ट गेम देखिएगा क्या है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्लीप दैट इज एक्सीडेड बाय ओनली 25% ऑफ वर्कर्स। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्लीप मीन पहले वो हमसे क्या कैलकुलेट करवा रहा था, जी कैलकुलेट करवा रहा था, अब उसने जी दे दिया आपको और आपसे एक्स कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। ये मतलब निकलता है? क्या ख्याल है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्लीप, पहले वो अमाउंट आपको दे रहा था 8 आवर्स ग्रेटर या एवरेज जो है वो कितना स्लीप है 7.2 मीन आपको पहले अमाउंट दे रहा था, अब उसने क्या कहा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्लीप दैट इज एक्सीडेड बाय ओनली 25% ऑफ वर्कर्स मीन अब आपने एक्स निकालना है अगर जी 25% हो तो। अब पहले हम जो कर रहे थे जितना भी अब हम काम कर रहे थे ये सारा था फॉरवर्ड वर्किंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके लिए हम क्या कर रहे थे कैलकुलेटर यूज कर रहे थे। कैलकुलेटर की जगह पे टेबल भी यूज किया जा सकता है लेकिन हमने कैलकुलेटर सीख लिया। क्या कह रहा है? टेबल में जाके देखें टेबल कौन सा यूज करना है तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो हमने कैलकुलेटर पे सारा सीख लिया। अब आ गया रिवर्स वर्किंग, सो पार्ट बी जो है वो क्या है रिवर्स वर्किंग, और रिवर्स वर्किंग के लिए हमें टेबल ही यूज करना पड़ेगा, उसके लिए कैलकुलेटर यूज नहीं हो सकता। ठीक है, फॉरवर्ड वर्किंग के लिए हम यूज कर रहे थे कैलकुलेटर और रिवर्स वर्किंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा टेबल यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करना पड़ेगा ये टेबल? हमारे पास आज के नोट्स में एक टेबल भी है, देखिएगा जरा, एक नहीं दो तीन टेबल है आज के नोट्स में, देखिएगा तीन टेबल आपको दिए गए हैं। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिया गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल दिया गया, एक आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल जी दिया गया। क्या दिया गया? टेबल जी दिया गया। क्या कहला? और तीसरे पेज पे कोई टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, अभी पता नहीं वो क्या होता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे टेबल जी को यूज करेंगे। कौन सा टेबल यूज करेंगे? टेबल जी यूज करेंगे। अब देखिएगा है क्या हमारे पास, है क्या हमारे पास, वो कह रहा है जी कि क्या है हमने फाइंड करनी है, क्या एक्स फाइंड करना है और हमें पता है कि जी जो है वो इक्वल होता है किस चीज के, एक्स माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन। ऐसे ही है? क्या ख्याल है? एक्स तो पता नहीं हमें क्या है, ये हमारे पास 7.2 है, ये हमारे पास 0.6667 है, ठीक हो गया। लेकिन उसने हमें जो है वो एक वैल्यू बताई हुई है कितनी 25% रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्लीप दैट इज एक्सीडेड बाय ओनली 25% ऑफ वर्कर्स। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्लीप दैट इज एक्सीडेड बाय ओनली 25% ऑफ वर्कर्स। तो आपको क्या करना है, अब ये जो 25% है इस पे जी टेबल में जाके एक वैल्यू फाइंड करनी है जी की। कैसे फाइंड होगी अगर आप जी टेबल में आए तो 25% को 0.25 कहा जाता है, हाँ? इस टेबल के अंदर आपने आना है और टेबल के अंदर काफी सारे आपको नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स में आपने देखना है कि 0.25 कहां पे आ रहा है। तो देखिएगा एक जगह पे 0.2517 आ रहा है, एक जगह पे 0.2549 आ रहा है, तो नियरेस्ट क्या है 0.2517 या 49? 0.2517 टेबल के अंदर काफी सारी वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज के अंदर जाके आप देखोगे और जब देखना शुरू करोगे तो आपको सीक्वेंस से पता चल जाएगा कि 0.25 कहां पे आ रहा है। तो कहां पे आ रहा है 0.2517.08 के कॉलम में आ रहा है और इसके साथ रो को अगर हम आगे लेके चलें तो 0.6 आ रहा है, तो ये 0.6 रो और उधर से कॉलम क्या है 0.08, इनको मिलाएं तो क्या बन जाता है 0.68। दिस मीन ये z यहां पे क्या है 0.68।
ये बात समझ आती है? अगर यहाँ पे 35% होता तो फिर हम क्या करते, टेबल में देखते 0.35 कहाँ पे आ रहा है और 0.35 कहाँ पे आ रहा है, 0.35 कहाँ पे आ रहा है, ढूंढो 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 ढूंढो, तो शायद 0.04 के कॉलम में आ रहा है और उसकी शायद बनती थी 1.04, क्या कहला? तो 0.25 जो नियरेस्ट था उस पर हमारे पास क्या Z की वैल्यू आई, 0.68, मीन ये Z टेबल है। हाँ नहीं, आपने ये टेबल के अंदर देखना है, 0.35 है तो देखना है 0.35 कहाँ पे वैल्यू आ रही है। इतनी सारी जो वैल्यूज दी गई हैं और जब देखना शुरू करोगे तो आपको विद इन अ मिनट आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे करके हो सकती है। क्यों देखो तो पहले ऊपर जो है वो 0.00 से स्टार्ट हो रही हैं, नीचे जाओगे तो 0.494 की सीरीज चल रही है, बीच में चल के 3 की सीरीज चल रही है, 2 की सीरीज चल रही है, 1 की सीरीज चल रही है, तो उसमें आप देखोगे तो एक जगह पे आपको 0.2517 मिल गया और 0.25 के नियरेस्ट यही है। क्यों? 0.2549 वो बड़ी हो जाती है वैल्यू और 0.2517 से नीचे 0.25 की और की वैल्यू है ही नहीं, क्या ख्याल है? तो वहाँ पे हमने देखा जी यहाँ पे रो क्या है 0.6, कॉलम क्या है 0.08, तो क्या बन गया 0.68, क्या ख्याल है? तो जी क्या आ गया 0.68। तब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज एक्स 7.65, ये हमारा आंसर है। क्या ख्याल है? मीन 25% ऑफ वर्कर्स ऐसे हैं जो 7.65 आवर्स आर मोर जो है वो स्लीप लेते हैं। अब समझ आती है? मीन पीछे क्वेश्चन 7, 8, 9 के पार्ट ए तक वो हमसे क्या करवा रहा था, फॉरवर्ड वर्किंग करवा रहा था, ग्रेटर देन लेसर देन बिटवीन वैल्यूज हमसे कैलकुलेट करवाई जा रहा था। तो उसके लिए हमने कैलकुलेटर पकड़ लिया। अगर ग्रेटर देन है तो हम आर फंक्शन अप्लाई करेंगे, लेसर देन है तो पी फंक्शन अप्लाई करेंगे, और अगर बिटवीन है तो क्यू फंक्शन अप्लाई करेंगे। और क्यू फंक्शन अप्लाई करते वक्त भी हमें देखना है कि अगर दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम सिंबल के साथ हैं तो फिर हम बीच में माइनस साइन यूज़ करेंगे। दोनों वैल्यूज़ के अगर सिंबल्स डिफरेंट हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो बीच में हम प्लस साइन यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर उसने क्या किया, हमें जी उसने दे दिया और एक्स उसने फाइंड करवा लिया। तो जी टेबल में से जाके हम फाइंड करेंगे कितने परसेंट है, क्या ख्याल है? क्वेश्चन के अंदर गिवन कितने परसेंट है, 25% है, 25.32% है, 25.79% है, नहीं 16.91% है, तो वो देखेंगे 0.16.91, तो 0.691 कहाँ पे करके आता है। यहाँ पे हमने क्या देख लिया, 0.25 कहाँ पे करके आता है, तो उसकी रो ली साथ कॉलम लिया तो हमारे पास क्या आ गया 0.68, तो वो हमारे पास क्या आ गया जी। जी कौन से टेबल से हमने देखा है, जी टेबल से देखा है, ये जी टेबल से देखा है। ये टेबल एग्जामिनर आपको प्रोवाइड करेंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन देंगे तो आपको टेबल पेपर में दिए जाएंगे। हाँ खुद से नहीं, ये टेबल के बिना, रिवर्स वर्किंग टेबल के बिना नहीं हो सकती, रिवर्स वर्किंग टेबल के बिना नहीं हो सकती। फॉरवर्ड वर्किंग तो आप टेबल के बिना कर सकते हो, पी क्यू आर हमने सीख लिया कैलकुलेटर से, लेकिन रिवर्स वर्किंग टेबल के बिना नहीं हो सकती। ठीक हो गया। फॉरवर्ड वर्किंग भी टेबल के थ्रू होती है, लेकिन वो टेबल के पंगे में पढ़ना ही नहीं है हमारे पास। जब कैलकुलेटर पे पी क्यू आर निकल सकता है तो हमें टेबल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज वो भी टेबल से हो सकती है। ठीक हो गया, लेकिन रिवर्स वर्किंग टेबल के बिना नहीं हो सकती, कैलकुलेटर पे नहीं हो सकती। जी चले आगे। सर यहाँ तक हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गई, बस इतनी सी थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बस इतनी सी थी। आगे चलते हैं अपने रिग्रेशन का जो एरिया था उसको थोड़ा और आज डिटेल में देखते हैं, रिग्रेशन के एरिया को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सो रिग्रेशन में हमने क्या कहा जी कि हम क्या देख रहे होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने की वजह से। मीन डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना डिपेंड कर रहा है, या दो वेरिएबल
का आपस में रिलेशनशिप हमने देखना है, क्या ख्याल है कि एक के चेंज होने से दूसरे में कितना चेंज आता है, ओब्वियसली इंडिपेंडेंट के चेंज होने से डिपेंडेंट में कितना चेंज आता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन बनती है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब मुझे शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कौन सा डिपेंडेंट है, y डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे, ठीक हो गया। लाइक हमने देखना है कि सेल डिपेंड कर रही है मार्केटिंग पे, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी डिपेंड कर रही है क्वांटिटी मीन यूनिट पे, इन्वेस्टमेंट हमारी डिपेंड कर रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, इन्वेस्टमेंट डिपेंड कर रही है किस पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन कितने से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चेंज हो तो इन्वेस्टमेंट पे कितना फ़र्क पड़ेगा, तो भी हम क्या कर सकते हैं, पिछले कोई 10 सालों के रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट की अमाउंट्स ले सकते हैं, एक्स वाई कॉलम बन जाएगा, वहाँ से हम बी फाइंड करेंगे, ए फाइंड करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी, तो पता चल जाएगा जी कि एक इंटरेस्ट रेट में चेंज आने से इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आएगा, क्या ख्याल है, यूनिट चेंज होने से प्रोडक्शन कॉस्ट चेंज होगी, तो क्या करेंगे, कुछ 10 डिफरेंट यूनिट्स और प्रोडक्शन कॉस्ट हम ले लेंगे, एक्स वाई वहाँ से बी फाइंड कर लेंगे, ए फाइंड कर लेंगे, इक्वेशन बन जाएगी, तो पता चल जाएगा कि यूनिट में एक चेंज आने से प्रोडक्शन कॉस्ट पे कितना चेंज आएगा, और वो चेंज मेनली बता कौन रहा है, बी, मेनली वो चेंज कितना आएगा वाई में एक्स के चेंज होने से वो कौन बता रहा होता है, बी, हाँ वो बी एक फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट होता है, वो बी एक फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट होता है, क्या था फार्मूला बी का, एन इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन इंटू समीशन एक्स स्केयर माइनस स्केयर ऑफ समीशन एक्स, ये का क्या फार्मूला था, वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब कहते हैं ये जो बी है इसका कुछ और भी फार्मूला है, बी का एक फार्मूला और भी है, बी का एक फार्मूला और भी है, और वो क्या है, बी इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई को डिनोट किया जाता है किस चीज से, इससे, और वेरियंस ऑफ एक्स को डिनोट किया जाता है इससे, ऐसी बात है, क्या कहला। अब कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कैसे निकलेगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कैसे निकलेगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई यही जो बी का ऊपर वाला पार्ट है, एज इट इज हटाओ, एन इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन इंटू एन माइनस वन, जिसे क्या फाइंड होगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ये बात समझ आती है, वेरियंस ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, बी का जो नीचे वाला था पार्ट क्या था, एन इंटू समीशन एक्स स्केयर माइनस स्केयर ऑफ समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन इंटू एन माइनस वन, ये बात समझ आती है, कल हमने क्वेश्चन किया था, कल हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर सिक्स जहां पे हमने रिग्रेशन लाइन, लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है वो बनाई थी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हमने कैलकुलेट किया था, क्या क्या रहा है उसका आंसर मुझे देंगे, क्या कैलकुलेट किया था आपने, y इज इक्वल टू
क्वेश्चन नंबर सिक्स, y इज इक्वल टू 9100 प्लस 58.23x. इसको हम यूं भी कह सकते हैं y इज इक्वल टू 9.1 प्लस 0.058x. मेरे को हम 1000 में ले जाएं इसको, क्या ख्याल है? हाँ, आज आपने यही क्वेश्चन समीशन एक्स समीशन वाई आपके पास है, कल वाले क्वेश्चन में समीशन एक्स वाई भी है, समीशन एक्स स्क्वायर भी है, क्या ख्याल है? आप जरा बी इस फार्मूला से कैलकुलेट करोगे और करके देखो क्या वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वही बनता है? क्वेश्चन नंबर सिक्स जो हमने पिछली क्लास में किया था उसी का सिर्फ आपने जो है वो बी इस फार्मूला से मीन पहले को वेरियंस ऑफ एक्स वाई निकालोगे, फिर वेरियंस ऑफ एक्स निकालोगे, को वेरियंस डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ एक्स आपके पास बी आएगा, तो आपने देखना है क्या बी वही आ रहा है 58.23। हाँ, एस बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को और उसका स्केयर क्या होता है? वेरियंस होता है, क्या कहला उसका स्केयर? वेरियंस होता है। वेरियंस का अंडर रूट ले लें तुम्हारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, वेरियंस का अंडर रूट ले लें तुम्हारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाता है। ना 58.2 यही आ रहा है अभी, क्या कह रहा है? तो ए भी फिर यही आ जाएगा, मीन यही इक्वेशन इस फार्मूला से ही बन रही है। बस ज़रा चेक कर लें, सिर्फ ये चेक कर लें कि क्या इस फार्मूला से भी हमारा बी ए या वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जो इक्वेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाई थी वही बन रही है अभी भी इस फार्मूला से भी, क्योंकि हमारी आई कैप बुक के अंदर उसने ये फार्मूला यूज़ किए हैं, इसलिए कोई बुक खोले तो परेशान ना हो जाए कि हो रहा है। सी को मसला तो नहीं है, ठीक है? बात हमने बात की थी कि रिग्रेशन क्या बताती है कि दो वेरिएबल का आपस में डिपेंडेंस, कि एक्स के चेंज होने से वाई में कितना चेंज आएगा, क्या ख्याल है? जो मेनली बी बता रहा होता है, बी सपोज 10 है, दिस मीन एक्स में एक चेंज आने से वाई में 10 चेंज आएगा, क्या ख्याल है? बी 58 है, दिस मीन एक्स में एक चेंज आने से वाई 58 से चेंज होगा। हाँ, लेकिन ये जो बात है ये कितनी रिलायबल है रिग्रेशन के थ्रू, ये जो बात पता चली है कि एक्स में एक का चेंज आने से वाई में इतना चेंज आएगा, ये बात कितनी रिलायबल है ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे? कोरिलेशन पे। कोरिलेशन
कोरिलेशन क्या थी? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग. स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग मीन वेरिएबल की आपस में, ये दोनों जो वेरिएबल हैं इनकी आपस में बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कितनी है, और वो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कॉफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन. क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? कॉफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसको हम आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं. आर स्क्वायर निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है पहले कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको आर से डिनोट किया जाता है. आर निकलेगा तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा. क्या ख्याल है? तो क्यों कैलकुलेट करना है? रिग्रेशन एनालिसिस की रिलायबिलिटी को जानने के लिए. रिग्रेशन एनालिसिस की रिलायबिलिटी को जानने के लिए. और सपोज आर स्क्वायर जो है वो हमने परसेंटेज में लेना होता है. सपोज आर स्क्वायर आ गया 0.9860, तो परसेंटेज में लेने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 98.6%. क्या ख्याल है? या आर स्क्वायर आ गया कितना, 0.7520, तो क्या करेंगे? 75.2%. या आर स्क्वायर आ गया सपोज 0.6103, तो क्या आ गया? 61.03%. और ये आर स्क्वायर 100 के जितना करीब हो, परसेंटेज में 100 के जितना करीब हो, उतनी ही रिग्रेशन एनालिसिस की रिलायबिलिटी ज्यादा है. कल वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन 6 में हमने क्या कहा था कि मार्केटिंग में एक चेंज करने से, मार्केटिंग में एक चेंज करने से सेल 58 से चेंज होगी. लेकिन ये बात कितनी अच्छी है, ये परसेंटेज बताएगी कि अगर तो आर स्क्वायर मीन कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 98.6% है, दिस मीन ये बहुत ज्यादा रिलायबल बात है. मीन 98.6% कंपनी की सेल्स मार्केटिंग पे डिपेंड कर रही है. जस्ट 1.4% अदर फैक्टर से इफेक्ट होती है. ठीक हो गया? इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट पे, उसमें आर स्क्वायर इतना आ गया, यस बहुत अच्छी बात है ये कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है. इंटरेस्ट रेट में 0.1 का चेंज आने से इन्वेस्टमेंट 58 से चेंज होती है. क्या ख्याल है? जस्ट 1.4% इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट के अलावा भी कुछ फैक्टर हैं जिसे इफेक्ट होती है. 98.6% इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट पे ही डिपेंड करती है. नहीं, ये आया 61%. नहीं, जस्ट 61% इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट की वजह से चेंज होती है, बाकी 39% अदर फैक्टर्स की वजह से भी चेंज होती हैं. और अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? मनी की सप्लाई हो सकती है, लोन की डिमांड हो सकती है, इकोनॉमिक कंडीशंस भी हो सकती हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट होती है. क्या कहला? इंटरेस्ट रेट के अलावा और इन्वेस्टमेंट क्यों होगी? इकोनॉमी अच्छी चाह रही तो इन्वेस्टमेंट होगी. क्या कहला? मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट होगी, लोन की डिमांड है तो इन्वेस्टमेंट होगी. लेकिन अगर आर स्क्वायर ये आया तो यस 98.6% इंटरेस्ट रेट की वजह से चेंज होती है, जस्ट 1.4% अदर फैक्टर की वजह से चेंज होती है. नहीं, 61 आ गया तो नहीं, जस्ट 61% इंटरेस्ट रेट की वजह से इन्वेस्टमेंट चेंज होती हैं, बाकी 39% अदर फैक्टर की वजह से इफेक्ट होती हैं. मीन्स मीन ये रिग्रेशन एनालिसिस जो बता रहा है कि इंटरेस्ट में एक का चेंज आने से इन्वेस्टमेंट में 58 का चेंज आता है, ये इतनी रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं है. बात समझाती है. अब आर कैसे निकालना है? आर निकल आए तो हमारे पास निकल आएगा क्या? आर स्क्वायर. तो आर निकालने का हमारे पास फार्मूला है. क्या फार्मूला है? को वेरियंस ऑफ एक्स वाई, यही वाला, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. तो अगर आपने बी कैलकुलेट किया इस फार्मूला से तो आर निकल आएगा.
कोवेरियंस आपने वो जो लिया वही वहां पे ले लिया, क्या ख्याल है? वेरियंस ऑफ एक्स आपने फाइंड किया हुआ था, तो वेरियंस का क्या अंडर रूट लेने से स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, तो आपको एक वेरियंस ऑफ वाई फाइंड करना पड़ेगा। कैसे? एन इंटू समीशन वाई स्केयर माइनस स्केयर ऑफ समीशन वाई ओवर एन इंटू एन माइनस वन। मीन अब आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम सिर्फ वाई स्केयर का बनाना पड़ेगा और वेरियंस ऑफ वाई आएगा तो उसका अंडर रूट लेके क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। क्या ख्याल है? आ सकता है? इसी में देखिएगा मुझे को वेरियंस ऑफ एक्स वाई बताइएगा आपने क्या कैलकुलेट किया था। क्वेश्चन नंबर सिक्स में ही मुझे जरा को वेरियंस ऑफ एक्स वाई बताइएगा आपने क्या कैलकुलेट किया था। 43.6568 यही फाइंड किया था। क्या ख्याल है? डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स आपने फाइंड किया है कितना? 749.72। तो उसका अंडर रूट ले लें, उसका अंडर रूट ले लें 749.72 आपने फाइंड किया है ना वेरियंस ऑफ एक्स, तो उसका अंडर रूट ले लें। सो क्या हम फाइंड कर रहे हैं जी? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स फाइंड कर रहे हैं, तो क्या था वो अंडर रूट हम किसका ले रहे हैं? 749.72 का। कितना बना? 27.38। ये एक वैल्यू तो आ गई, दूसरी वैल्यू अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, तो उसके लिए एक वाई स्केयर का कॉलम बनाएं, वाई स्केयर का कॉलम बनाएं, समीशन वाई स्केयर बस मुझे देना है आपने। एन इंटू समीशन वाई स्केयर माइनस स्केयर ऑफ समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन इंटू एन माइनस वन। वैल्यूज देनी है आपने मुझे। समीशन वाई आपने निकाला हुआ था कितना था? 144900 का स्केयर। ये वैल्यू बस आपने निकालनी है। एन मेरे पास है कितना? 12 था। ये वैल्यू आपने मुझे देनी है और नीचे शायद 132 ही आ रहा है। 12 × 11 क्या कहला? आर निकालने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्स का। समीशन वाई स्केयर कितना है? आर तो आप बता रहे हैं मुझे, समीशन वाई स्केयर बता दें कितना है? 179.70 12 × 179.5 770। अब मुझे यहाँ से प्लीज बता दें ये वेरियंस ऑफ y कितना आ रहा है? वेरियंस ऑफ y मुझे कैलकुलेट करके दे दें प्लीज। वेरियंस ऑफ वाई -1588974 इधर नहीं बड़ी अमाउंट आ रही है, यही आ रही है 1-1588974 तो ये क्या है? वेरियंस ऑफ वाई। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? इसका अंडर रूट। हमारे पास आर सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन वाई बताइएगा क्या है?
कितना 1 2 6 0 5 लेकिन माइनस को इग्नोर कर देना 1 2 6 0 5 तो ये 27.38 था या 27.380 था ये फिर 43.6568 था या 43.6568 था इसको भी फिर पॉइंट में ले लो ना क्या बन जाएगा 12.6 बन जाएगा क्या ख्याल है तो आपके पास आर आ सकता है कितना आर देखिएगा कितना 0.1265 ये आर है हमें चाहिए होता है आर स्क्वायर हमें चाहिए होता है आर स्क्वायर तो क्या करो आर स्क्वायर देखो जी कितना है 0.1265 का स्क्वायर इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा कितना 1.6% आ रहा है 1.6% आ रहा है दोबारा चेक कर लें मुझे कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ लग रही है आर ठीक निकला है आपका आर 0.1265 है उसका स्केयर लिया तो कितना आया 0.0016 आर का स्केयर लेने से 0.0016 आया उसको इंटू 100 किया तुम्हारे पास क्या आ गया 1.6% दिस मीन ये जो रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू में पता चल रहा था इसकी रिलायबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है इसकी रिलायबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है हाँ चलें अब यहाँ से मूव होके यहाँ से सिर्फ हमने कैलकुलेशन सीखनी थी आर की कैलकुलेशन आर स्केयर हमने कैसे निकालना आर निकल सकता है लेकिन आपने ऐसे निकालना है निकालने को तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इक्वेशन भी कैलकुलेटर से बन सकती है आपने ऐसे कैलकुलेट करना है अब यहाँ से मूव होके आप लोग आ जाएं एक क्वेश्चन की तरफ आ जाएं क्वेश्चन नंबर 15 मिलता है क्वेश्चन 15 डिटरमाइन द लाइन ऑफ बेस्ट फिट एंड इंटरप्रेट द कोफिशिएंट्स लाइन ऑफ बेस्ट फिट आपने डिटरमाइन करनी है मीन वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बनानी है और पार्ट बी डिटरमाइन द वेरिएशन आर स्क्वायर मीन आपने आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन भी आइडेंटिफाई करना जी क्वेश्चन 15 में एक्स वाई द इंटरेस्ट रेट इन द इकॉनमी हैज कंसिडरेबली इंक्रीज्ड दिस कैन हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन डिमांड बाय पीपल फॉर हाउसेस इन इंटरेस्ट रेट अफेक्ट कर रहा है किस चीज़ को डिमांड फॉर हाउसेस को इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट इफेक्ट द इकोनॉमिस्ट हैज कॉल्ड डेटा फॉर द एवरेज मॉर्गेज रेट एंड द नंबर ऑफ हाउसिंग स्टार्ट्स इन द कंट्री फॉर द पास्ट 10 ईयर्स दिस डेटा इज शोन बिलो इंटरेस्ट रेट दे दिए पिछले 10 सालों के और नंबर ऑफ हाउसेज स्टार्ट मीन डिमांड फॉर हाउसेज दे दिया मीन इन्वेस्टमेंट एक तरह की घरों पे क्या ख्याल है तो एक्स इंटरेस्ट रेट है वाई आपका क्या है नंबर ऑफ हाउसेज है तो प्लीज मुझे ये फिगर बता देंगे सबमिशन एक्स कितना निकला है 82 आया है जी सबमिशन एक्स सबमिशन वाई 1540 सबमिशन एक्स वाई 1 2 5 4 3 सबमिशन एक्स के 67.8 और सबमिशन वाई स्क्वायर 2484 ठीक हो गया और एन हमारे पास 10 है तो हम आगे जी पहले बी फाइंड करते हैं बी के लिए हमें क्या चाहिए कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का ये फार्मूला है जिसमें हमारे पास जो है वो एन है कितना 10 समीशन एक्स वाई हमने निकाल लिया कितना 1 2 5 4 3 माइनस समीशन एक्स हमारे पास है 82
और इनटू हम करेंगे जी समीशन वाई 1540 डिवाइडेड बाय हम करेंगे जी एन कितना था हमारे पास 10 इंटू 10 माइनस 1 मीन 9। तो यहाँ से प्लीज़ मुझे आंसर एक दे देंगे माइनस 9.44। सब एग्री कर रहे हैं? ओके उसके बाद वेरियंस ऑफ एक्स की तरफ हम आए तो हमारे पास एन 10 है, समीशन एक्स के हमारे पास 674.8 है, माइनस समीशन एक्स है हमारे पास कितना 82 का स्केयर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया 10 माइनस 9 10 इंटू 9 क्या था 90 आता है इसका आंसर 0.2667। तो बी में हमने पुट किया जी ये माइनस 9.44 डिवाइडेड बाय 0.2667 तो क्या आ गया 35.39। तो ये हमारे पास आ गया बी। ए अगर हम फाइंड कर लें तो हमारे पास वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बन जाएगा, क्या कह रहा है। सो ए फाइंड करने के लिए हमने क्या किया जी ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, और वाई बार के लिए हमारे पास 1540 डिवाइडेड बाय 10 है, माइनस बी जो है हमारा ऑलरेडी माइनस में ही है तो हम प्लस कर देंगे, क्या कह रहा है प्लस कर देंगे 35.39 इंटू एक्स बार के लिए हमारे पास क्या है 82 डिवाइडेड बाय 10। तो ए कितना आया, ए कितना आया 444.198। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई y इज इक्वल टू 444.198 माइनस 35.39x, क्या कह रहा है यही बनती है, किसी की डिफरेंस तो नहीं आ रही, किसी की वैल्यू डिफरेंट आ रही हो, कंफर्म है लॉक कर दूं। चलें जी ये हमारे पास बन गई जी रिग्रेशन लाइन। अब हमें फाइंड करना है क्या आर स्क्वायर्ड, तो उसके लिए हमें पहले आर निकालना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, क्या कहला है, और आर जो है वो इक्वल होता है किस चीज़ के, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो कोवेरियंस तुम्हारे पास है कितना माइनस 9.44, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हम निकाल सकते हैं इसका अगर हम अंडर रूट ले लें, क्या ख्याल है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स के लिए अंडर रूट ऑफ 0.2667 तो क्या आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 0.516। सो 0.516 इंटू अब हमें लेना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो उसके लिए हमें पहले वेरियंस ऑफ वाई फाइंड करना पड़ेगा, क्या ख्याल है। और वेरियंस ऑफ वाई फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है एन हमारे पास 10 है, समीशन वाई स्केयर हमने निकाला हुआ है 248400 माइनस समीशन वाई भी हमारे पास है 1540 का स्केयर डिवाइडेड बाय हमारे पास 90 है, तो ये कितना आता है 1248.88। और इसका अब अंडर रूट ले लें 35.33, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y आ गया 35.33। सो 35.33 यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास r आ जाएगा, कितना आता है r बताइए का मुझे माइनस 0.52 r स्केयर लिया जा सकता है, माइनस 0.52 का स्केयर इंटू फिर 100 कर देना तो परसेंटेज में आ जाएगा
26.75%। जी क्या ख्याल है, कैलकुलेट किया जा सकता है? इसके लिए आपने पार्ट सी के लिए ना इसके नीचे आधा पेज खाली छोड़ देना, अपना जहाँ पे आंसर कैलकुलेट किया ना, हाफ पेज पार्ट सी के लिए खाली छोड़ देना। पार्ट सी हाइपोथेसिस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसके बाद इसके पार्ट सी में आएंगे। उसका कैलकुलेशन वाला मेन काम जिस क्वेश्चन का था वो हमने कर लिया, ठीक हो गया, ताकि आगे फिर हाइपोथेसिस पढ़ के सिर्फ हमने क्या करना है, वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है पार्ट सी पे। इस तरह से हमें एक और क्वेश्चन नंबर 16 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, द स्टोर मैनेजर वांट्स टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स टू हैव इन स्टॉक ऑन डेली बेसिस। अमंगस्ट अदर थिंग्स शी वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द टेम्परेचर अफेक्टेड द सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक। टेम्परेचर पे सेल डिपेंड कर रही है, क्या ख्याल है? ऐसी बात है, टेम्परेचर डाउन जाएगा तो कोल्ड ड्रिंक्स की सेल ज़्यादा होगी, टेम्परेचर डाउन जाएगा तो कोल्ड ड्रिंक्स की सेल कम होगी, टेम्परेचर अप जाएगा तो कोल्ड ड्रिंक्स की सेल ज़्यादा होगी। अकॉर्डिंगली शी रिकॉर्डेड द टेम्परेचर एंड द नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स सोल्ड एवरी डे इन अ सैंपल ऑफ 10 डेज। तो टेम्परेचर ले लिया उसने और नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स ले लिए। टेम्परेचर वाई है, एक्स है, टेम्परेचर वाई है, एक्स है, एक्स है और नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स वाई है जो उस पर डिपेंड कर रही है, क्या कह रहा है? डिटरमाइन द लाइन ऑफ बेस्ट फिट और उसके बाद आर स्क्वायर आपको फाइंड करना है। गुड लक एवरीबॉडी, ज़रा मुझे फिगर दीजिएगा बस। आप अभी 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 करके उठेंगे ना, क्या हो गया, अभी करके जाएंगे। तो एक जो औखी फिगर है वो मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, 10। जो फिगर निकलती जाए मुझे बताते भी जाइएगा। एट ज़ीरो फाइव आ गया जी सबमिशन एक्स। टू वन फोर टू सेवन फाइव, टू वन फोर टू सेवन फाइव, सिक्स फाइव टू थ्री नाइन, 574 3255 793। इतनी बड़ी फिगर, 574 3255 793।
9 8 7 1 7 9 2 4 9 8 7 और n हमारे पास 10 है, क्या कह रहा है? तो फिर चलें आगे, गेम ऑन करें। सो n हमारे पास 10 है, समीशन एक्स वाई हमारे पास है जी 1 7 9 2 4 9 8 7 माइनस समीशन एक्स है जी हमारे पास कितना 805 इंटू समीशन वाई है 214275 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 90, 10 माइनस 9, 10 इंटू 9 ओके जी, इसकी वैल्यू आपने मुझे देनी है। और उसके बाद 10 इंटू समीशन एक्स के रहा हमारे पास 65239 माइनस 805 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 90। वेरियंस 48.5। इसका हम स्क्वायर अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा, क्या कहला है? स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स आ जाएगा कितना? 6.96। ठीक हो गया। सो ये वैल्यू को वेरियंस की मुझे बताइए। 75094। तो बी ये हमारे पास निकल सकता है 7975094 डिवाइडेड बाय वेरियंस था हमारे पास 48.5। तो व्हाट इज बी? वेरियंस इधर पुट करना ना 1548.33। तो ए फाइंड कर दें, जरा ए फाइंड कर दें। वाई बार हमारे पास आ जाएगा जी 805 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1548.33 इंटू एक्स बार है हमारे पास, नहीं वाई बार तो हमारे पास कुछ और है 214275 और ये बनेगा 805 डिवाइडेड बाय 10। व्हाट इज ए? माइनस 103 213 माइनस 103213 यही है। तो y इज इक्वल टू माइनस 103213 प्लस 1548.33x। इक्वेशन बन गई। अब आर की तरफ चलें, आर की तरफ चलें, क्या कह रहा है? आर की तरफ चलें तो एक वैल्यू तो हमने ये कोवेरियंस फाइंड कर लिया हुआ है कितना 75094। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स भी हमने फाइंड कर लिया 6.96। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हम चले गए जी यहाँ पे 10 इंटू समीशन वाई स्केयर है हमारे पास लंबी चौड़ी फिगर 57432 55793 माइनस स्केयर ऑफ समीशन वाई, समीशन वाई था हमारे पास 214275 उसका स्केयर डिवाइडेड बाय 90। तुम्हारे पास आएगा यहाँ से वेरियंस ऑफ वाई 127986। इसका हम लेंगे अंडर रूट कितना? तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, आगे कुछ और भी है 470। तो इसका अंडर रूट लेंगे, समीशन ऑफ वाई कितना आया 11313। तो 11313 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तुम्हारे पास आर आ गया कितना
0.95, क्या कहला है, 0.95 का स्केयर लो इंटू 100 करो तो आपके पास परसेंटेज में आर स्केयर आ जाएगा 90.96%। जी इसके नीचे भी आपने हाफ पेज ब्लैंक छोड़ देना है, मीन क्वेश्चन नंबर जो हमने अभी किए हैं 15 और 16, इनके नीचे हाफ हाफ पेज आपने ब्लैंक छोड़ देना है। मीन इसमें जो कैलकुलेशन वाला काम था, टाइम कंज्यूमिंग काम था, वो आज के लेक्चर में हमने कर लिया, ताकि नेक्स्ट में हम हाइपोथेसिस पढ़ के सिर्फ इसके ऊपर हाइपोथेसिस वाला काम करेंगे। ठीक हो गया, ये फिगर्स मुझे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में चाहिए होंगी। सो आज बस इतना ही, मीन वही कल वाली चीज़ों को ही आज हमने थोड़ा सा और आगे खोला है। कुछ हमने बी के नए फार्मूलाज पढ़े हैं, आर आर स्केयर कैलकुलेट करना आज सीखा है हमने। पीछे रह गए हमारे पास कोई दो टॉपिक और, हाइपोथेसिस और काई स्केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।